इंडिया लग रहा है कि इस बार 8वां मतलब एशिया कप ले आएंगे। जरूर जरूर लाएंगे भैया, इसमें कहने की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। भारतीय टीम श्रीलंका टीम को बुरी तरह से हरा कर 8वीं बार एशिया कप कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको बता दे, श्रीलंका टीम टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि 15 ओवर 2 गेंद पर 50 रन बनाकर श्रीलंका टीम पूरे ऑल आउट हो जाते हैं, जिसमें इंडिया के ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट हासिल करते हैं, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट हासिल करते हैं, वही जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल करते हैं। दोस्तों आपको बता दे, एशिया कप ODI के इतिहास में सबसे कम रन बनाने वाले टीम श्रीलंका बन चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने 87 रन बनाया था 2000 में। अब श्रीलंका ने 50 रन बनाकर अपना सबसे कम रन बनाने वाले टीम बन चुके हैं। वही भारतीय टीम भी सबसे कम ओवर में जीत हासिल करने वाले टीम बन चुका है। इंडिया की ओर से ईशान किशन और शुभम गिल बैटिंग करने के लिए उतरते हैं और 6 ओवर 1 गेंद में 51 रन बनाकर इंडिया को 10 विकेट से एशिया कप 2023 विजेता बना देते हैं। दोस्तों आप सभी को इंडिया के ओर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में क्या कहना है और आपको आज का मैच कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताइए। और आज के वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।